उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हो चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। भाजपा इस बार विधानसभा उपचुनाव के बहाने यूपी में अपना असर दिखाना चाहती है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई थी। वहीं भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री यूपी में अपना चुनाव हार भी गए। 400 पार वाला विजय रथ 240 पर अटक गया। बीजेपी का खेमा अब ठान लिया है कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का स्वाद चखाना है। इसके लिए बीजेपी के थिंक टैंक ने एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस रणनीति में मुस्लिम बाहुल्य सीटें अपने एनडीए घटक दलों के साथियों को देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 3 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि एक एक सीट बीजेपी के सहयोगी दलों आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। ऐसे में घर को ठीक करने के लिए बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं। इसी लोकसभा सीट में अयोध्या है। अयोध्या की हार बीजेपी के गले की फांसी बनी है। अयोध्या और राम मंदिर सालों से बीजेपी का मुद्दा रहा है। बीजेपी की तैयारी कुंदर की सीट भी समाजवादी पार्टी से छीनने की है। संभल जिले की कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में 62% मुसलमान वोटर है। बीजेपी यहाँ सिर्फ एक बार 1993 में ही जीत पाई थी। पिछली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक चुने गए थे। वे अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए हैं। वह पार्टी के बड़े नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। बीजेपी इस बार ये सीट राष्ट्रीय लोक दल को देना चाहती है। आरएलडी से मुस्लिम उम्मीदवार देकर बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी का खेल खराब करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम नेताओं के संपर्क में है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन दिनों उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आरएलडी के पास थी। यहाँ के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से लोकसभा सांसद बन गए हैं। बीजेपी इस बार मीरापुर अपने पास रखकर कुंदर की सीट आरएलडी को देना चाहती है। वैसे जयंत चौधरी से बात अभी फाइनल नहीं हुई है। कुंदरकी से मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए समाजवाद पार्टी के 2 नेताओं से बातचीत चल रही है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। इनमें से एक मायावती सरकार में मंत्री थे, अब वह अखिलेश यादव के साथ है, जबकि दूसरे नेता पीस पार्टी से विधायक रह चुके हैं, अब वह भी समाजवादी पार्टी में है। अगर इनसे बात नहीं बनी तो फिर बीजेपी अपना ही कोई उम्मीदवार उतारने का फैसला कर सकती है।